सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं। वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल पर कुछ 5 वीडियोज मैं अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी 2 कोई वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। आज मैं इस वीडियो में सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपके मन में जो भी सरफेस इंटीग्रल का जो डाउट है वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं इस चैनल में हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप अगर हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इवेल्युएट दिस सरफेस इंटीग्रल। इस सरफेस इंटीग्रल को निकालना है। एफ फंक्शन है यहाँ पर, वेयर एफ जो है वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। इस तरीके से ये वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन को डिफाइंड किया गया है। और एस जो है, एस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर दिस अबव द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के ऊपर में जो स्फीयर का पार्ट होगा वही यहाँ पर एस सरफेस है। एस जो सरफेस है वो एक्स, ये स्फीयर का एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला पार्ट का सरफेस है। तो इस सरफेस में हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, इवेल्युएट करना है ये सरफेस इंटीग्रल को। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये स्फीयर है और इस स्फीयर का एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला जो पार्ट है वही यहाँ पर एस लिया जा रहा है, सरफेस लिया जा रहा है। तो ये स्फीयर होगा क्या? आप जानते हैं स्फीयर जो है वो ये हो जाएगा, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन जो है, एक्स वाई प्लेन उसके ऊपर वाला पार्ट लेना है इस स्फीयर का। तो उसके ऊपर वाला पार्ट लेंगे तो कुछ इस तरीके का स्फीयर आएगा। ये सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट लेना है एक्स वाई प्लेन का। तो ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं और ये जो सरफेस है बाहर से जो सरफेस आएगा वही सरफेस यहाँ एस लिखा हुआ है कि एस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर एबव द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो स्फीयर बन रहा है उसका जो पूरा सरफेस आ रहा है वही एस है। और इसी एस में हम लोग को इंटीग्रेट करना है, इवेल्युएट करना है, इस सरफेस इंटीग्रल को निकालना है। और ये एफ एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब हम लोग कैसे सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं, आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि एफ डॉट डी एन डी एस, एन जो है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन होता है। और यहाँ पर इसी को इवेल्युएट करना है। तो इसको इवेल्युएट करने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं। जो सरफेस है उस सरफेस को किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्शन के बाद मान लीजिए जैसे एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस सरफेस को अगर एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होगा, एक सर्कल बन रहा है यही सर्कल। और हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल से जो रीजन बन रहा है उस रीजन को हम लोग यहाँ पर आर मान लें। तो तरीका क्या होता है सरफेस इंटीग्रल निकालने का, इसको निकालने के लिए किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्ट किए, जैसे यहाँ पर हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट किए, तो इसको लिखेंगे डबल इंटीग्रेट करेंगे रीजन आर में। पहले ये सरफेस एस में इंटीग्रेट करना था डबल इंटीग्रल, अब जब इसको प्रोजेक्ट कर दिए एक्स वाई प्लेन पर तो आर रीजन जो है, प्रोजेक्शन से जो रीजन आ रहा है वो आर है, आर रीजन में डबल इंटीग्रेट करेंगे। और क्या फार्मूला होता है, मैं फार्मूला प्रूफ करके बताया हूँ पिछले वीडियो में। एफ डॉट एन और डी एस के बदले यहाँ लिखते हैं डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय मॉड एन डॉट के लिखते हैं, तो के कैप। तो ये फॉर्मूला होता है आर रीजन में हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट द गिवन सरफेस एस ऑन एक्स वाई प्लेन, देन द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन द एक्स वाई प्लेन इज द रीजन आर। ये जो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन आ रहा है उसका रीजन आर है,
बाउंडेड बाय, और ये आर रीजन आया कहाँ से, बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन पर ये रीजन आ रहा है, एक्स वाई प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट जो होता है वो जीरो होता है, और ये जो सर्कल बन रहा है सर्कल का रेडियस क्या होगा, आप देख रहे हैं स्फीयर जो है स्फीयर का रेडियस वन है और सेंटर ओरिजिन पर है, तो ये जो सर्कल आएगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो आएगा उसका भी सेंटर ओरिजिन पर होगा और इसका भी रेडियस वन होगा क्योंकि स्फीयर का रेडियस वन है। तो इस सर्कल का इक्वेशन एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पर इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यही सर्कल मैं लिख रहा हूँ और जेड इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स वाई प्लेन बता रहा है, तो यही सर्कल है और इसी सर्कल से जो बाउंडेड रीजन है ये रीजन कंप्लीट रीजन आर है। अब इसी रीजन में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये फॉर्मूला है सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए अगर एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो, अगर वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है, ये एफ डॉट एन रहता है और डी एस के बदले अगर वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डी वाई डी जेड, और जरा ध्यान दीजिएगा अभी एक्स जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट किए थे तो जेड एक्सिस के पैरेलल जो एक यूनिट वेक्टर होता है वो के यहाँ पर लगाए थे, अगर वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे तो वाई और जेड प्लेन इधर हो गया और इस पर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। इसी तरीके से आप एक्स जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट किए हैं इसीलिए फॉर्मूला जो है वो हम लोग ये वाला लगाएंगे, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हम लोग लिखते हैं कि देयर फोर एफ डबल इंटीग्रल जो है एफ डॉट एन डी एस, एस सरफेस में इंटीग्रेट करना है, इसको हम लोग फॉर्मूला लिख जाते हैं यहाँ पर कि ये आर रीजन में इंटीग्रेट होगा डबल इंटीग्रल, और एफ डॉट एन और डी एस के बदले डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय एन डॉट के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, के कैप ये मॉडुलस होगा इसका। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि एन जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है आउटवर्ड डायरेक्शन में सरफेस पर वो निकालेंगे, तो एन होता क्या यहाँ पर है, एन जो वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर वो कहाँ पर होता है, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो हम लोग एक यहाँ पर छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, इसका एलिमेंट्री सरफेस लेते हैं और इस एलिमेंट्री सरफेस को हम लोग क्या कह रहे हैं डी एस। अब इसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ आर रीजन में हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो आर रीजन में इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इस तरीके से आर रीजन में एक रेक्टेंगल आ जाएगा और इस रेक्टेंगल में इसका लेंथ डी एक्स लेंगे और ब्रेथ डी वाई लेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। तो ये जो यहाँ पर एलिमेंट्री सरफेस लिए, एक छोटा सा सरफेस, पूरे सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लिया है स्मॉल पार्ट, और उस स्मॉल पार्ट का ये प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पर, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसका एरिया डी एक्स डी वाई होगा। तो ये जो यहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट ले रहे हैं, एलिमेंट्री सरफेस ले रहे हैं, उसी पर कोई भी पॉइंट ले लिए, ये अब एलिमेंट्री पार्ट इस सरफेस में कहीं पर भी ले सकते हैं, तो उस पर जो पॉइंट होगा उस पर हम लोग एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे ये एन। अब ये एन निकालते कैसे हैं, आपको पता होगा कि डेल फाई, ये जो ग्रेडियंट फाई है, ग्रेडियंट फाई क्या बताता है, अगर कोई फाई फंक्शन है, फाई फंक्शन क्या है, कोई सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए कि हम लोग मान लेते हैं इस सरफेस को लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड, फाई जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन, और किसको मान रहे हैं, इसी सरफेस को मान रहे हैं, सरफेस का इक्वेशन ये है, तो इसी इक्वेशन को लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो है फाई एक्स वाई जेड और ये वन इधर ले आए, माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये जो फाई फंक्शन मान रहे हैं इसी को मान रहे हैं, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एस सरफेस को, और इस सरफेस पर अगर नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट फाई निकालते हैं। तो ग्रेडियंट फाई जो होता है वो बताता है सरफेस का नॉर्मल वेक्टर। तो डेल यहाँ पर डेल है क्या, डेल आपको पता होगा कि डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डेल आई डेल बाय डेल एक्स, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और ये किसी स्केलर फंक्शन में डेल को लगा देते हैं तो ये कहलाता है ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेंगे और ये ग्रेडियंट ही बताता है नॉर्मल वेक्टर। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल फाई निकालते हैं, डेल फाई मीन्स हो गया, डेल का मतलब आई डेल बाय डेल एक्स
प्लस जे डेल बाय डेल वाई जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। अब हम लोग ये फाइव फंक्शन में लगाना है, तो फाइव फंक्शन ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर आप देखिए आई कैप रहने देते हैं और डेल बाय डेल एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई और जेड जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे तो सिर्फ टू एक्स आ जाएगा और ये दोनों का जीरो और ये वन तो कांस्टेंट है, वन का भी जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग जब ये ऑपरेटर इसमें ऑपरेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो x और z जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा तो ये दोनों का जीरो हो जाएगा, वन कांस्टेंट है इसका जीरो, तो y स्क्वायर का 2y और फिर k कैप रहने देते हैं और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में उसी तरीके से करते हैं तो 2z हो गया। तो ये डेल फाई कितना आ गया, डेल फाई आप देखिए हम लोग का डेल फाई आ रहा है, देयर फोर डेल फाई इज इक्वल टू 2xi प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डेल फाई जो है वो 2xi प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप यही आ रहा है। ये क्या हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर बताता है, लेकिन हम लोग को कौन सा वेक्टर निकालना है, नॉर्मल वेक्टर ही निकालना है लेकिन यूनिट होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो अब लेट n जो है n इक्वल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्राउन आउटवर्ड डायरेक्शन एट द पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन द सर्फेसेस। कोई भी पॉइंट पी लिए हुए हैं ये जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया गया वही यहाँ पर एन है, तो ये बता रहा है नॉर्मल वेक्टर और इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ये नॉर्मल वेक्टर हो गया मतलब इसी के डायरेक्शन में, ये नॉर्मल वेक्टर है यूनिट नहीं है, अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर डेल फाई है, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, ये एन यूनिट वेक्टर है इसी के डायरेक्शन में, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर्स में हम लोग उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग वही लिख रहे हैं कि एन वेक्टर जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, डेल फाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल फाई। तो डेल फाई का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं 2xi कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप और इसका मॉडुलस लिखना है। तो मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस निकालने के लिए i j और k के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर हो जाएगा। 4 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 2xi कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप हो गया और अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो उसका रूट अंडर 2 हो गया, अंदर में बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और ये सरफेस के इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर भी, तो यहाँ xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप और डिवाइडेड बाय ये 2 और इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिए कि एफ डॉट एन निकालना है और एन डॉट के निकालना है, तो ये दोनों चीज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले एन डॉट के निकालते हैं, तो एन डॉट के निकालते हैं के कैप, तो वेक्टर एन और के कैप का यून डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर एन निकाला हुआ है यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग के साथ करते हैं, तो आई डॉट के जीरो हो जाता है, जे डॉट के जीरो हो जाता है और के डॉट के वन होता है, तो ये दोनों के साथ तो जीरो हो गया तो सिर्फ इसके साथ बच गया, तो ये कितना आ जाएगा जेड और के डॉट के वन, तो इसका वैल्यू जेड निकल गया। अब हम लोग एक और निकाल लेते हैं, एफ डॉट एन निकाल लेते हैं, इसका भी ज़रूरत है हम लोग को, आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला में एफ डॉट एन का भी ज़रूरत है सरफेस इंटीग्रल निकालने में। तो एफ वेक्टर दिया हुआ है, एफ वेक्टर आपको पता है कि एफ वेक्टर कौन सा वेक्टर है, यहाँ पर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो ये है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। आप देख रहे हैं यहाँ पर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप, वही फंक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। और डॉट इन, इन क्या है यहाँ पर हम लोग निकाल के रखे हुए हैं इन का वैल्यू, तो इन का वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि x y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर j का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर y z स्क्वायर x स्क्वायर फिर y z स्क्वायर, और z का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर z हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आएगा, x, y और z ये तीनों कॉमन आ जाएगा, तो x, y, z कॉमन लेने के बाद यहाँ y, z बच रहा है, x, y, z कॉमन लेने के बाद x, z बच रहा है, और x, y, z कॉमन लेने के बाद x, y बच रहा है, तो ये हो गया f डॉट n। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको नंबर वन कर देते हैं, तो दोनों का वैल्यू n डॉट k का वैल्यू भी और f डॉट n का भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। अब तो फ्रेंड्स फर्स्ट से देखिए, अब फर्स्ट में हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब रीजन आर में इंटीग्रेट करना है, तो एफ डॉट एन का वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निकाले हुए हैं, तो एफ डॉट एन का वैल्यू आप देखिए एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई है, तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और फिर यहाँ पर है देखिए डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स डी वाई यहाँ पर रहने देते हैं डी एक्स इंटू डी वाई, और साथ में नीचे है एन डॉट के का मॉडलस, तो एन डे डॉट के का मॉडलस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड है तो ये जेड लिख जाते हैं, तो ये जेड और ये जेड कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है आर रीजन में, और ये एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो जरा ध्यान दीजिए ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जेड यहाँ पर नहीं है, तो जेड को कन्वर्ट कर देंगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में नहीं है, डबल इंटीग्रेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो जेड को एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिख जाते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये दोनों से जेड को कॉमन ले लेते हैं, तो जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये डी एक्स इंटू डी वाई रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रीजन आर है, आर रीजन में इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और जेड को फिर एक्स वाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके बारे में देखिए स्फीयर का इक्वेशन ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, यहाँ से जेड स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो जेड का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यही जेड का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है डी एक्स डी वाई, तो आर रीजन में इंटीग्रेट करना है। अब आर रीजन में लिमिट क्या होगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, वाई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको फिलहाल हम लोग नंबर टू कर देते हैं और चेक करते हैं कि एक्स और वाई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, लिमिट क्या पुट करेंगे ये डबल इंटीग्रल में, तो ये लिमिट निकालते हैं अब। तो फ्रेंड्स ये आर रीजन क्या था, आप देख रहे थे पहले जो फिगर में बनाया था, तो आर रीजन क्या था, ये एक हेमीस्फीयर था, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला पार्ट था, तो जब हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन पर हम लोग प्रोजेक्ट किए थे, तो जब प्रोजेक्ट किए थे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यही रीजन यहाँ पर था, तो ये रीजन क्या था, एक सर्कल था, एक्स वाई प्लेन का सर्कल था, तो हम लोग सिर्फ सर्कल कंसिडर करते हैं अभी जो है, वो हम लोग सिर्फ सर्कल लेते हैं, सिर्फ इस रीजन को ले रहे हैं क्योंकि इसी रीजन में इंटीग्रेट करना है, तो एक्स वाई प्लेन पर हम लोग सिर्फ सर्कल ले रहे हैं, एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये वाई एक्सिस हो गया,
यहाँ पर आप x डैश डाल दीजिए, ये y डैश डाल दीजिए, ये ओरिजिन हो गया। तो आपको पता है कि इस स्फीयर का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, तो रेडियस इसका वन था, तो जो सर्कल बन रहा है उसका भी रेडियस वन है, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये भी रेडियस है 1 हो जाएगा, तो -1 0 हो जाएगा। अब हम लोग कैसे लिमिट निकालते हैं इस इंटीग्रेशन का कि x कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, y कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में इस पूरे रीजन को आप डिवाइड कर सकते हैं या वर्टिकल स्ट्रिप में। तो चलिए फिलहाल जो रीजन R है इस रीजन को हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं, कई फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं और ये एक स्ट्रिप लेते हैं, उसमें से इस स्ट्रिप में ये चेक करते हैं कि y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। तो ये y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से लेकर के जब इस स्ट्रिप में इंटीग्रेट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, इस स्ट्रिप सिंगल स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं, तो x कोऑर्डिनेट तो पूरे स्ट्रिप, ये बहुत ही पतला स्ट्रिप होगा तो x कोऑर्डिनेट तो सभी पॉइंट का सेम होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, x तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो जाएगा, तो y यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा। निकालेंगे कैसे, ये जो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से y के लिए से इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा +√1 - x स्क्वायर। तो y का यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है, एक y का वैल्यू आ रहा है -√1 - x स्क्वायर और दूसरा y का वैल्यू आ रहा है √1 - x स्क्वायर पॉजिटिव में। तो एक नेगेटिव आया y कोऑर्डिनेट, एक पॉजिटिव आया, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होगा, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√1 - x स्क्वायर और ये कहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सर्कल से हम लोग निकाल लिए हैं इसका y कोऑर्डिनेट है √1 - x स्क्वायर, इसका पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले ऐसा कीजिए, इसको इंटीग्रेट जो कर रहे हैं उसमें लिमिट y कोऑर्डिनेट बैठाते हैं, y कोऑर्डिनेट हो गया -√1 - x स्क्वायर से +√1 - x स्क्वायर तक, इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू √1 - x स्क्वायर - y स्क्वायर को पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे पहले, और उसके बाद y के बाद फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो वेरिएबल कोएफिशिएंट वेरिएबल लिमिट है उसी के रिस्पेक्ट में पहले किया जाता है, ये रूल होता है, और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x कैसे, x का लिमिट कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझिए। तो x का लिमिट निकालने के लिए यहाँ पर कई फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए कि पहला स्ट्रिप कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहला स्ट्रिप यहाँ पर शुरू होगा, तो पहला स्ट्रिप यहाँ होगा और लास्ट स्ट्रिप यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट स्ट्रिप का x कोऑर्डिनेट क्या है, इस यहाँ जो स्ट्रिप आएगा फर्स्ट स्ट्रिप उसका x कोऑर्डिनेट -1 होगा और इसका x कोऑर्डिनेट +1 होगा, तो ये x कोऑर्डिनेट जो है इसी से वैरी करेगा -1 से लेकर के +1 तक। तो इस रीजन में जो इंटीग्रेट करना था इस रीजन से हम लोग लिमिट लिख लिए और इसको पहले y के रिस्पेक्ट में फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसे इंटीग्रल को इवेल्युएट कैसे करते हैं जरा इसके बारे में समझिए। इंटीग्रल का आप डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला जानते होंगे, एक प्रॉपर्टीज है कि -a से +a तक अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा वो 2 times हो जाता है 0 to a, 0 से a तक इंटीग्रेट कर देते हैं और उसका डबल कर देते हैं f(x) को, लेकिन ये कब करते हैं, जब f(x) इज इवन, इवन फंक्शन होता है तब, f(x) अगर इवन फंक्शन होता है तो इसके बराबर, और इसका इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाता है, ये कब होता है, जब f(x) इज ऑड, अगर ये f(x) ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इवन और ऑड क्या होता है, आपको पता होगा कि f(-x) = अगर +f(x) आ जाए तो इसको कहते हैं इवन फंक्शन, और अगर f(-x) = -f(x) आ जाए, माइनस अगर x को हटा करके -x डालते हैं तो ये -f(x) हो जाए, तो इस फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर दो तरह का फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है एक ऑड फंक्शन है, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, बाद में x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये दोनों अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, -1 से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं, -√1 - x स्क्वायर से +√1 - x स्क्वायर तक करते हैं, किसको करते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर को,
डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर भी अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ये माइनस वन टू वन है लिमिट, और माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या करते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x स्क्वायर जो है x कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो आप इसको बाहर कर सकते हैं, माइनस वन से वन करते हैं x स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, और किसको करना है माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर तक करना है, किसको y स्क्वायर को डी वाई, ये जो इंटीग्रल आएगा उसके बाद फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इस इंटीग्रल को देखिए कैसे इवेल्युएट करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स वाई मान लेते हैं हम लोग इसको, स्मॉल एफ लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई कौन सा फंक्शन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स और वाई की जगह माइनस वाई पुट करते हैं, तो यहाँ पर x के जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, और माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x को हटा करके माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस वाई कर देते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस पुट करने पर भी वो वही रह जाएगा सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए आप, ये एफ ऑफ एक्स वाई ही है, माइनस रहने दीजिए, और ये जो फंक्शन है ये ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये देखिए माइनस अगर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर बाहर माइनस आ गया, मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया, तो इस ऑड फंक्शन का अगर हम लोग डबल इंटीग्रल कर रहे हैं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब डबल इंटीग्रल करेंगे तो इस इंटीग्रल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग को सिर्फ इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को। अब इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कैसे करते हैं जरा इसके बारे में समझिए। ये देखिए ये इंटीग्रल है क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये इंटीग्रल है माइनस वन से प्लस वन तक इंटीग्रेट करना है, और एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और साथ में फिर ये जो इंटीग्रल है आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इवन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वाई के जगह अगर माइनस वाई पुट करते हैं तो फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, तो इसको जीरो से रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, जीरो से रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे और वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे एक वाई के रिस्पेक्ट में और डबल कर देंगे। तो जो अभी रूल बताए थे यहाँ पर कि अगर इवन फंक्शन रहे तो इवन फंक्शन रहे जीरो से लेकर के इंटीग्रेट करेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पर, जीरो से इंटीग्रेट कर रहे हैं रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर तक और इसको डबल कर दे रहे हैं, तो वही देखिए आप यहाँ पर लिखे हुए डबल किए हुए हैं, जीरो से यहाँ तक इंटीग्रेट किए हैं, बाकी वही रहने दिए। अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, टू कांस्टेंट है इसको बाहर कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यू डिवाइडेड बाई थ्री और लिमिट है जीरो टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, टू रहने दीजिए, माइनस वन से वन एक्स स्क्वायर अपर लिमिट बैठाते हैं, तो अपर लिमिट बैठाएंगे तो ये थ्री को भी बाहर कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है टू बाई थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर अपर लिमिट बैठाते हैं तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर और फिर पावर थ्री, तो थ्री बाई टू हो जाएगा, और जीरो पुट करने से तो जीरो हो गया। अब ये फंक्शन देखिए ये भी इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स के जगह अगर माइनस एक्स पुट करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम फंक्शन रह जाएगा, तो इवन फंक्शन है, तो फिर इसको माइनस वन से वन जो इंटीग्रेट करना है उसको डबल कर देते हैं और जीरो से वन तक इंटीग्रेट करते हैं इसको। अब इसका इवोल्यूशन कैसे करते हैं इस इंटीग्रल का, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन मैथड हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पर फोर बाई थ्री रहने दीजिए और सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं एक्स के जगह साइन थीटा, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर अब लिमिट चेंज करेंगे, जिस समय एक्स बराबर जीरो होगा उस समय थीटा भी जीरो हो जाएगा, और जिस समय एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू वन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के जगह हो गया साइन स्क्वायर थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स के जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इसका पावर थ्री बाई टू, और डी एक्स का वैल्यू है कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए ये कितना आ रहा है, फोर बाई थ्री रहने दीजिए, जीरो टू पाई बाई टू रहने दीजिए,
साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और ये पावर 3/2 है तो 2 हट जाएगा, कॉस क्यू थीटा और एक कॉस थीटा यहाँ पर है तो कॉस थीटा टू द पावर 4 d थीटा। अब इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रल का। तो उसको अप्लाई करने के लिए इसको चेंज करते हैं थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 - cos² θ और यहाँ cos थीटा टू द पावर 4 d थीटा। अब ये दोनों में अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, अब देखिए क्या होता है, ये जरा समझिए। अब यहाँ से हम लोग कैसे लिखते हैं, 4/3 लिख जा रहे हैं और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ये अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to π/2 cos थीटा टू द पावर 4, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं -4/3 और 0 to π/2, ये अंदर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी इंटीग्रेट करते हैं cos थीटा टू द पावर 6 को भी। तो एक फार्मूला होता है रिडक्शन फार्मूला, आप लोग को शायद पता होगा, 0 to π/2 cos थीटा टू द पावर n को अगर इंटीग्रेट करना है तो इसका फार्मूला होता है, ये जो पावर n है वो n नीचे लिखते हैं, n-1 ऊपर, फिर n-2 नीचे, फिर n-3 ऊपर, इस तरीके से ये आगे रिड्यूस होते जाता है और लास्ट में आता है 1/2, अगर इवन रहे n तब, n इवन रहे तो 1/2 और (π/2), ये फार्मूला है। तो ऑड रहने पर थोड़ा चेंज होता है, ये 2/3 हो जाता है, (1) होता है, उस समय π/2 नहीं होता है, लेकिन यहाँ इवन है, देखिए आप ये जो पावर है वो दोनों इवन है तो इवन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या फार्मूला है, फॉर्मूला में है सबसे पहले पावर जो एन होता है वो नीचे होता है, उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 4 को नीचे, ऊपर में 3, फिर नीचे 2, ऊपर में 1, 1/2 लास्ट होता है, उसके बाद फिर π/2 आता है। तो उसी तरीके से 4/3 यहाँ पर इसका हो जाएगा 6, ऊपर 5, नीचे यहाँ पर 4 3 2 1 और लास्ट में आएगा π/2। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 3 है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 × 2 से 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 1/4 और यहाँ पर आप देखिए तो 5/, यहाँ पर आपका बच रहा है 24, तो 24 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर 6 - π/2, तो ये आ गया π/24, तो यही सरफेस इंटीग्रल का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाले, क्या किए, जो भी सरफेस में इंटीग्रेट करना था उस सरफेस को एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट किए और उस एक्स वाई प्लेन पर जब प्रोजेक्शन किए तो उस प्रोजेक्शन में का जो रीजन आया वो आर रीजन आया और उस आर रीजन में हम लोग इवेलुएट कर लिए, उसका फॉर्मूला जो था उसको यूज कर लिए। तो इस तरीके से आप के बुक में अगर कोई भी और भी सवाल है सरफेस इंटीग्रल पर तो आप उसको बना सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने का। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ अगर मिलता है तो मुझे भी कुछ एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने के बाद फिर उसको मैं और भी वीडियो आपको अपलोड करके देते रहूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।